जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विकास परमात्मा। तो दोस्तों मैं आया हूँ आज एक और प्लानिंग लेकर के आपके लिए, जिसकी एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ, जो कि 17x36 की प्लानिंग थी, 2 BHK की प्लानिंग थी और 25.5 लाख उसकी जो है वो डिमांड थी। ठीक है, तो उसके वीडियो मैंने बना करके डाल दी और अब उसी का जो पार्ट है जिसमें मैं अंडर कंस्ट्रक्शन थी, मतलब किस प्रकार का उसमें जो है वर्क हुआ है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं पहले वो देखते हैं। सबसे पहले भैया आपका वही बाइक पार्किंग के लिए छोटी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि साइज़ छोटी है, अपन कार इसमें पार्क नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप चाहोगे कि कार पार्क करना है तो रूम वगैरह सब गायब हो जाएंगे इसमें, सब छोटी सी प्लानिंग हो जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार का सीन है, यहाँ पे मोटर लग जाएगी, यहाँ पे एक नल लग जाएगा, यहाँ पे मीटर वाला कनेक्शन हो जाएगा और ये आपका स्टेप्स वगैरह हो गए। स्टेप्स से बढ़िया से ग्रेनाइट का वर्क हुआ है जो कि सामने दिख रहा है। ये यहाँ पे गैप छोड़ रखी है, इसमें जो है CNC कटिंग होगी, एक स्टील की प्लेट के अंदर जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उस प्लेट में अपने हिसाब से, अगर आप इस कंडीशन में इसको बुक करवाते हैं तो डिज़ाइन आप अपने हिसाब से चूज़ करके उनको बता सकते हैं कि क्या डिज़ाइन इसे यूज़ करना है। ठीक है, लकड़ी का वर्क हुआ है बढ़िया सा इसमें दरवाज़ों के लिए। यह हॉल है और POP का वर्क अभी इसमें चल रहा है, तो POP की डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से आ रही है। ये किस प्रकार का होने वाला है देख, मतलब बनने के बाद कैसा दिखेगा, इसकी वीडियो मैंने डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है, तो आप उसको देख सकते हैं कि यार ये क्या है और कैसा बनने वाला है, बनने के बाद क्या दिखेगा। ठीक है, ये हॉल हो गया। हॉल के जस्ट सामने ये आपका छोटा सा एक TV पैनल हो गया। TV पैनल के लेफ्ट हैंड पे आपको एक पहला बेडरूम मिल जाएगा देखने को, जिसमें 4x4 की विंडो की साइज़ है और ऊपर POP का वर्क हुआ है। POP कम POP की है लेकिन भैया काम बहुत बढ़िया है। ये जो है ऐसा लग रहा है जैसे छत के अंदर गड्ढा कर दिया हो और एक अलग ही फीलिंग इसमें देखने को मिली। लाइटें वगैरह प्रॉपर तरीके से है, रूम की साइज भी बढ़िया है, 10x10 का रूम। ये सामने आपका यहाँ पर TV पैनल हो गया, TV पैनल बढ़िया सा। लाइट की बात करें प्रॉपर बना हुआ है, वेंटिलेशन, टाइल वगैरह भी सारी लेटेस्ट यूज़ की हुई है। ये आपका आ गया किचन। ठीक है, TV पैनल के जस्ट पीछे किचन है। किचन में कुछ इस प्रकार का सीन आपको देखने को मिलेगा। नीचे जो है आप अपने हिसाब से जो है फर्नीचर का काम करवा करके फर्नीचर से बढ़िया सा इसको डेकोर कर सकते हैं। स्टील के पाइप लगाए हैं यहाँ पे, जिससे पार्टीशन एक और वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं। वेंटिलेशन की बात करें छत में जो है ओपन OTS जो छोड़ा है इन्होंने, ये 4x4 फीट का छोड़ा है। ये आपका हो गया वॉशिंग पार्ट, आप आराम से यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए भी पॉइंट दे रखा है, तो वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, नल वगैरह, बर्तन धोना, कपड़े धोना, जो धोना हो सब आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। जस्ट इसके पास में अपन को एक बाथरूम देखने को मिल जाएगा जो कि इंडियन टाइप की है और 7 फीट की हाइट तक में इसमें वॉल टाइल का यूज़ किया हुआ है। शावर वगैरह ये सारी की सारी झमाझम जो भी चीज़ें होती है वो सब कुछ। वायर की बात करें तो 1.5 mm, 1 mm, 1.5 mm और 2.5 mm, और ये हाँ 2 mm और 2.5 mm के वायर इसमें जो है यूज़ किए जो कि सामने दिख रहा है। मतलब भैया लाइट में कभी भी शॉर्ट सर्किट होना नहीं है लाइट में। ठीक है, शॉर्ट सर्किट MCB वगैरह हर रूम की अलग अलग MCB वगैरह जो है अलग से प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि किसी भी अगर एक रूम में शॉर्टेज जल्दी से हो भी तो वो सिर्फ उसी रूम की लाइट बंद हो, बाकी सारे के सारे रूम की जो लाइट चालू। सेकेंड रूम की बात करें जो कि मास्टर बेडरूम है आपका और अभी काम चल ही रहा है, तो कुछ इस प्रकार का सीन है। POP का वर्क सेम है, पीछे गार्डन है और ये विंडो है, कुछ इस प्रकार का गार्डन है, पूरे को पूरा हरियाली हरियाली, बड़े बड़े झाड़ लगे हुए हैं, काफ़ी पुराना गार्डन है ये, इसलिए झाड़ बड़े बड़े हो गए। और ये आपका हो गया अटैच टॉयलेट में वेस्टर्न शीट लग जाएगी, ऊपर जो है वेंटिलेशन और के लिए भी बढ़िया सी गैप छोड़ दी है, आप यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी लगवा सकते हैं, लाइटिंग वाइटिंग ये वो सब कुछ बढ़िया। भैया प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है 25.5 लाख रुपये प्राइस है, 2 BHK की प्लानिंग है और 4 मकान अभी अवेलेबल है, चारों के चारों मकान अवेलेबल है। सैंपल के तौर पे एक मकान तैयार हो चुका है, उसकी वीडियो मैंने बना करके वो डाल दी है, तो जितना जल्दी हो सके आप संपर्क कर लें और हमारे जो है सोनू भैया आपको विजिट करवाएंगे। ठीक है, नंबर वगैरह भी मैंने दे दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दिया है, आप तो बस भैया कॉल करें और विजिट करवाएं सोनू भैया के साथ। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके आप खरीदें सर। और कैसा बनने वाला है ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्या दिखा रहा है यार, लेकिन इसका जो मैंने मेन वीडियो बना के डाल दिया है आप वो देखें और उसके बाद ही डिसीजन लें कि इसको लेना है या नहीं लेना है। अब मैं चलते हैं ऊपर का, थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ मैं आपको। स्टेप्स ग्रेनाइट का वर्क हुआ है 3 फीट का, और ये भैया इतनी बड़ी गैप क्यों छोड़ दी यार उन्होंने, गैप इसलिए छोड़ी भैया इसमें जो है पूरी के पूरे में एल्यूमिनियम की ग्रिल लगेगी और पूरे में जो है विंडो लगेगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट विंडो रहेगा जिसमें बाहर से आदमी अंदर नहीं देख सकता, लेकिन अंदर वाला आदमी जो है वो बाहर जरूर देख सकता। कुछ काम आगे भी चल रहा है और भी प्लानिंग है अपने पास,
आप आना, विजिट करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। बहुत सारे काम हैं और प्लानिंग जो है अलग 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 साइज़ में भी अवेलेबल है अपने पास, 18, 36, 20, 40, 25, 40 इस टाइप से जो है साइज़ अवेलेबल है, 15-40 भी मिल जाएगा, 10-50 भी मिल जाएगा, मतलब साइज़ तो भैया कॉलोनी पूरी भरी है, जो साइज़ चाहिए वो साइज़ आपको मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी जिसकी बात करें, ये 4 प्लानिंग है, बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग है, बेस्ट प्लानिंग है, ठीक है। 25.5 लाख में कोई महंगा नहीं है, और 17x36 की प्लानिंग है, वो 1000 लीटर के पानी का टैंक रख के देंगे आपको, मतलब पानी तो इतना रहेगा कि दिन भर नहाओ पानी खत्म ही नहीं होना। और बात करें तो भैया पानी की टंकी जो सामने ही है, ठीक है, कॉलोनी जो है पूरी की पूरी भर चुकी कॉलोनी है ये, तिरुपति ड्रीम्स प्लेटिनम वगैरह सब इसके सामने आती है, अपन सब जस्ट सबके पीछे हैं, तिरुपति ड्रीम्स के डी ब्लॉक में है, सबसे एंडिंग पॉइंट है अपना। और इसके पीछे जो है हाटकेश्वर विहार की फिर एक कॉलोनी और बढ़िया सी स्टार्ट हुई, जितना जल्दी हो सके आ जाए, भैया से संपर्क कर लें। जय श्री महाकाल।